अस्सलामुअलैकुम। इल्मी अखबार यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की न्यूज़ से आपको अपडेट करते हैं। कराची, शहरियों ने कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए। अगर SOPs का अमल दरामद ना किया गया तो इस वबा पर काबू पाने का वाहिद हल लॉकडाउन ही होगा। माहिरीन सेहत, चंद सियासी और दीनी जमायतें इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके मुल्क को नुकसान पहुँचाती है। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान में तोड़फोड़ से मगरबी ममालिक को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। यकीन दिलाता हूं कि दुनिया के दीगर ममालिक को साथ मिलाकर मुहिम चलाएंगे और हमेशा के लिए इस मसले का हल निकालेंगे। ऐसे इकदाम करेंगे कि मगरब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकेगा। इमरान खान का खिताब, वफाकी हुकूमत ने जैद उल्मा की मदद से मुज़ाकराती ऑप्शन इख्तियार करने का अंदिया दे दिया। वफाकी में आला सतह पर मुशावरती का अमल जारी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर समेत दीगर अहम वफाकी वुज़रा जैद उल्मा कराम से बाज़ाब्ता राब्ता करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर इक्तदार के तमाम दाखिल व खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यरगमाल 11 पुलिस एहलकार छोड़ दिए। TLP से मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। सहरी के बाद मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होगा। वजीर दाखला शेख रशीद का बड़ा ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। भारत मुज़ाकरात के लिए 5 अगस्त के फैसले पर नज़रसानी करे। भारत को मुज़ाकरात के लिए कश्मीरियों के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू।